हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला को एक टेंशन बहुत ज्यादा होती है कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, एसिड बनता है, अपच हो जाता है, कब्ज की समस्या रहती है, ऐसे मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और अगर मैं ज्यादा हल्का खाना खाती हूँ तो कहीं बच्चे को कम पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हर प्रेग्नेंट लेडी के मन में चलते ही हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैक्सिमम महिलाओं को एसिडिटी, गैस, एपच की समस्या होती ही है, और ऐसे में वो लोग क्या करते हैं कि वो खाने को कम कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं, अगर आप पौष्टिकता से भरपूर खाना खाते हैं, तो आपको ऐसी कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बात कर रही हूँ खिचड़ी की। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान खिचड़ी खाते हैं तो इसके आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा मिलता है दोस्तों एनर्जी। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आप के जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपके शरीर में इतने सारे चेंजेस होते हैं, एक नई जिंदगी को आप जन्म देने वाली होती हैं, तो ऐसे में आपका जो बॉडी है उसकी जो एनर्जी है काफी लॉस हो जाती है, आप बहुत ही थका थका महसूस करते हैं। तो जो हम खिचड़ी बनाते हैं उसमें हम मूंग की दाल हो गई, थोड़े से राइस हो गई या फिर दलिया है वो डालते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये प्रोटीन से भरपूर होता है, एनर्जी से भरपूर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें होता है, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। एनर्जी इसका लेवल आपका थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है और थोड़ा सा आप एक्टिव महसूस करते हैं। खिचड़ी खाने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है कि पाचन क्रिया आपकी दुरुस्त रहती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। देखिए दोस्तों, अगर आप खिचड़ी का सेवन करती हैं, एक तो ये पचाने में आसान होती है, तो इससे आपको एसिडिटी, गैस जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। तो इसमें बहुत ही हम लाइट चीजों का वेट करते हैं, इसमें हम घी वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप केवल ऊपर से एक चम्मच घी और दही के साथ इसको खा सकते हैं, टेस्टी भी लगेगी और हेल्दी भी होगी। इसके साथ ही ये आपके कब्ज की समस्या को भी दूर करता है। देखिए दोस्तों, खिचड़ी बनाने में हम दाल का इस्तेमाल करते हैं दाल प्रोटीन से भरपूर होती है, दाल कब्ज की समस्या से आपको निजात दिलाती है। तो जो प्रेग्नेंट महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, वो खिचड़ी का सेवन जरूर कीजिए, आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी, आपको इसमें बहुत ही राहत मिलेगी, पेट हल्का रहता है। देखिए, आप कुछ भी खाना खाते हैं तो अगर आपको एसिडिटी की समस्या है, गैस की, एपच की समस्या है, तो आप वो खाना खाने से बचते हैं कि मैं ये खाऊंगी तो इससे मेरे को ये समस्या हो जाएगी, मुझे एसिड बनेगा। तो ऐसे में अगर आप खिचड़ी का सेवन करती हैं तो आपको बिल्कुल भी ये सारी समस्याएं नहीं होंगी, पेट आपका हल्का रहेगा, और सबसे बड़ी बात कि आपके बच्चे को पूरे पोषक तत्व मिल पाएंगे, आपका बच्चा हेल्दी रहेगा और आपको भी संतुष्टि रहेगी। क्योंकि देखो दोस्तों, प्रेगनेंसी में दो से तीन चीजें बहुत ही मायने रखती हैं। पहली क्या कि वजन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, दूसरा बच्चे के लिए आपको प्रॉपर पोषक तत्वों की जरूरत होती है, तीसरा आप एक हेल्दी डाइट लें। अगर आप खिचड़ी का सेवन करती हैं तो एक तो इसमें आपको प्रॉपर पोषक तत्व मिलते हैं, दूसरा बच्चे को पूरे पोषक तत्व मिलते हैं, तीसरा खिचड़ी खाने से आपका वजन भी ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। तो दोस्तों, ये सारे फायदे आपको खिचड़ी खाने से मिल जाते हैं। आप कब और कैसे इसका सेवन करें, देखिए दिन में किसी भी समय एक बार आप इसका सेवन कीजिए, आप चाहे तो रात के खाने में इसको खा सकते हैं, इसको रात के खाने में आप खाइए, आपको हजम करने में आसानी होगी, आपको सुबह जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है उसमें बहुत ही फायदा मिलेगा। तो आप रात में इसका सेवन कीजिए, रात में नहीं खा सकते तो दोपहर में खाइए, दिन में एक बार जरूर इसका सेवन कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू, नमस्कार।